हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच पॉलीमर हैज काइरल मोनोमर्स. ऑप्शन ए ब्यूना एस, ऑप्शन बी पी एच बी वी, ऑप्शन सी नियोप्रीन, ऑप्शन डी नायलॉन 6-6. सो द की कॉन्सेप्ट इज द काइरल मोनोमर. ठीक है. तो देखो, जो काइरल मोनोमर होता है वो बेसिकली क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है जो इसकी मिरर इमेज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी मॉलिक्यूल से. ठीक है. सो द मिरर इमेज इज एक्चुअली अ डिफरेंट मॉलिक्यूल. एंड अगर हम बात करते हैं काइरल मोनोमर की, सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन है. ठीक है. एंड ठीक है, सी क्या हो जाता है, कार्बन है हमारे पास, कार्बन एटम. एंड इस पे अगर चार एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड है, लेट्स से ए बी सी, तो सी नहीं लेते, सी बी का ऑलरेडी कार्बन है, तो डी ले लेते हैं, डी एंड ई. सो देखो, इस कार्बन पे चार डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं अगर, तो ये कार्बन मेरा क्या हो जाएगा, काइरल कार्बन हो जाएगा. ओके ठीक है. क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन से पॉलीमर के पास काइरल मोनोमर्स हैं. ठीक है. सो बात करते हैं ब्यूना एन की. सो ब्यूना एन में टू डिफरेंट मोनोमर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. ये टू डिफरेंट मोनोमर्स को मिलाकर बनता है, जैसे पहला होता है 1,3-butadiene विच विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. ये होता है 1,3-butadiene. एंड दूसरा हमारा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N. दिस इज एक्रिलो नाइट्राइड. सो देखो, दोनों में ही हमें कोई ऐसा काइरल सेंटर या काइरल कार्बन नहीं दिख रहा है जिसमें फोर डिफरेंट ग्रुप्स क्या हो, अटैच्ड हो. एच बी वी की. सो इसका पहला मोनोमर होता है हमारा CH3. ये हो जाएगा CH OH CH2 COOH. तो ये हमारा 3-hydroxybutanoic acid. एंड दूसरा मोनोमर होता है इसका CH2 CH2 here we will have CH3 CH3 CH2. Here we will have C, here we will have OH, here we will have H, here we will have CH2, then we will have COOH. ये है हमारा 3-hydroxypentanoic acid. ठीक है. सो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ये कार्बन है. सो इसमें क्या है, देखो OH अटैच्ड है, डिफरेंट हो जाता है, H अटैच्ड है, डिफरेंट हो जाता है, CH3 CH2 डिफरेंट हो जाता है, एंड ये भी डिफरेंट हो जाता है. तो यहाँ पे चार डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. सो ये क्या हो जाता है हमारा, काइरल कार्बन, और ये मोनोमर हो जाता है काइरल मोनोमर. फाइन. एंड बात करते हैं 3-hydroxybutanoic acid की. तो यहाँ पे 3-hydroxybutanoic acid की, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी आई कैन सी कि मेरे पास ये भी क्या है, काइरल एटम हो जाता है. ठीक है. मैं इसको यहाँ पे H को कैसे लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे H को ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे भी डिफरेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंट देखने को मिल रहा है. तो ये भी मेरा क्या है, काइरल मोनोमर. ठीक है. दोनों क्या हो जाते हैं, काइरल मोनोमर हो जाते हैं. अब हम बनाते हैं आगे अपना नियोप्रीन का. ठीक है. नियोप्रीन के बारे में बात करते हैं. नियोप्रीन पॉलीमर के मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C, ये आ जाता है Cl, इधर आ जाता है CH, इधर आ जाता है डबल बॉन्ड CH2. सो बेसिकली इसके मोनोमर को कहते हैं क्लोरोप्रीन.
ठीक है, एंड मुझे कोई इसमें मुझे कोई कायरल मोनोमर नहीं दिख रहा है, ये भी कोई कायरल मोनोमर नहीं है, बिकॉज देख सकते हैं हम कोई भी कार्बन एटम फोर डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है, ठीक है। सो ये भी हमारा कायरल मोनोमर नहीं है। बात करते हैं नायलॉन 6-6 की, ठीक है, नायलॉन 6-6 हमारा बनता है। सो हम जानते हैं ठीक है, नायलॉन के जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथालिन डायमाइड। सो पहले हम बनाते हैं एडिपिक एसिड, ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा सी, इधर आ जाएगा हमारा ओ एच, यहाँ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड ओ, हियर वी विल हैव सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, देन सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ठीक है, प्लस ये हमारा हो जाता है एडिपिक एसिड। फिर आता है हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमाइड, सो दिस इज एन एच टू, इधर आ जाता है हमारा सी एच टू, देन सी एच टू, 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 देन वी विल हैव एन एच टू, सो दिस इज हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन। सो हम देख सकते हैं इन दोनों में से किसी एक में भी हमें कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, कायरल सेंटर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ना ही इसमें और ना ही इसमें, ना ही इसमें। सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पी एच बी वी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।